हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और इस समय मैं पूरा खाना वाना अपना बना के चुकी हूँ। आज इस समय अभी घड़ी में बज रहा है 9:11। देखिए अब जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 9:11 हो रहा है और मैंने पूरा घर का काम निपटा लिया है क्योंकि मुझे आज जाना है कहीं पर। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने मायके में, जो पुराना मायका है मेरा, वहाँ पर अपने चाचा लोग जहाँ मेरे रहते हैं। तो आज मैं आपको वहाँ पर लेके चल रही हूँ, दिखाऊँगी कि कैसा है वो मेरा घर। और यहाँ पर मैं आपको दूँ कि ये देखिए मैंने पूरा खाना बना लिया है। इस कुकर में है दाल, तो यहाँ पे दाल बन के रखी है। अथर्व के लिए बोतलें उबाल के रख ली हैं। दूध उबल गया है। नाश्ते के लिए इडली मैंने बना दी है, एक बैच बन गया है, ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा पड़ा था। और यहाँ पर है पत्ता गोभी की सब्ज़ी और ये है चावल। और यहाँ पर ये रोटी मैंने सेक दी है। तो मैं सारा काम निपटा के अपना जा रही हूँ अब मायके, अपने मायके इन द सेंस मतलब मैं अपने चाचा के यहाँ जा रही हूँ। आज उनके यहाँ पिन्नी है, तो पिन्नी में उन्होंने मुझे बुलाया है, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी तैयार होना है। मुझे 10 बजे का इनविटेशन है, 10 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना है और अभी मैं नहा ही नहीं हूँ। तो मैं जल्दी से अब जा रही हूँ नहाने, और नहा के मैं कपड़े चेंज करके अच्छे से पहन के फिर मैं वहाँ पर ही आपको डायरेक्ट से आप क्या पता मिलूँ। तो अभी मैं जल्दी से बस अपना काम निपटा लिया है, तो चलती हूँ वहाँ पर। अब हम लोग तैयार हो गई हैं, चल रही हूँ। अच्छा वाओ बापू, मुझे छोड़ने का हूँ। तो देखिए अब मैं आपको लेके आ गई हूँ अपने यहाँ चाचा के यहाँ, जो अय्यागंज में रहते हैं। लखनऊ में एक अय्यागंज एरिया है, वहाँ पर उनका घर है, तो वहीं पे हम आ गए हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी, बुआ और ये देखिए ये मेरी दीदी हैं, जो बिल्कुल मेरी फ्रेंड की तरह हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग अब पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है पिन्नी की पूजा। तो पिन्नी की पूजा कैसे होती है ये सब मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊँगी यहाँ पर। तो ये देखिए मेरी बुआ जी हैं और ये मेरी मम्मी को तो आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ जो पूजा की तैयारी हो रही है, तो ये पट्टे के ऊपर 4 देवी माता बनाई जाती हैं और ये है पिन्नी, जो 300-300 ग्राम की बनाई जाती हैं और ये 14 जगह बनाई गई हैं। तो इसमें 7-7 औरतें बैठती हैं, तो डबल पिन्नी की करी जा रही है। तो डबल पिन्नी में 14 लेडीज़ होती हैं और 2 कन्याएँ और 2 जो बिना सुहागन लेडीज़ होती हैं वो बैठती हैं। तो इस तरह से बैठती हैं लेडीज़ें। तो यहाँ पर सब में सिंदूर लगा दिया गया है माता के आगे। अब हम लोग सब फूल चढ़ाएंगे, दिया होगा, सिंदूर उनको चढ़ाया जाता है, वो सुहाग उनको दिया जाता है, फिर उनसे लिया जाता है। इस तरीके से काफ़ी अच्छे से डीप पूजा होती है। और ये पिन्नी की पूजा तभी की जाती है जब आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है या फिर आपको कुछ इच्छा आपने कर रखी हो, जो आपका काम नहीं बन रहा हो, उसके लिए आप संकटा माता की पूजा कहते हैं इसको, तो वो करिए, तो उससे आपके संकट दूर होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सिंदूर जो है वो गौरा माता है जो ये रखी हैं, लाल चुनरी में हल्का सा लपेटे हुए रखी हैं, तो इनको गौरा माता माना जाता है। तो इन पे सिंदूर चढ़ाया जाएगा, फिर बाद में इनसे ही हम सुहाग लेंगे सब औरतें, सुहागन औरतें जो है। तो मेरी चाची ने ये पिन्नी आज रखी थी क्योंकि जो मेरी बहन है गुड़िया, जो उसको आप बगल में बैठे हैं, वो बैठी है ओढ़ना ओढ़े, आपने देखा होगा अभी फ़ोटो में, तो उसकी शादी की पिन्नी बोल रखी थी, तो वो पूरा करी है। तो पिछली बार शुक्रवार को उन्होंने रखा था पर कोई कुछ कारण के वजह से वो फिर टल गया था। तो आज ये मंडे को पूजा हुई है, ये मंडे को और फ्राइडे को, शुक्रवार को ही 2 ही दिन पूजा होती है। तो आज ये हुई है मंडे के दिन पूजा। तो यहाँ पर ये देखिए सब जितनी भी सुहागन लेडीज़ हैं वो सब भगवान गौरा माता के आगे सिंदूर चढ़ाएंगी और इस तरीके से फूल चढ़ाना और अच्छे से डीपली पूजा होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये देखिए यहाँ पर फूल सब ने चढ़ा दिए हैं और ये 4 पिन्नी होंगी जो देवी माता के आगे चढ़ाई जाएंगी। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। दिया जलाया गया है देवी माता के आगे, जल के ऊपर चावल रख के फिर उस पर दिया रखा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, उनके चाची के यहाँ से जो मेरी गुड़िया बहन है उसकी दोनों मौसी और ये छोटी बहन है गुड़िया की, मतलब मेरी भी चचेरी छोटी बहन है। तो हम लोगों को जब यहाँ पर आते हैं बहुत अच्छा लगता है। पूरा साल भर हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए, क्योंकि जब गुड़िया की शादी हुई थी तभी मैं यहाँ पर आई थी, उसके बाद अब आना हुआ है। और फिर यहाँ पर ये पान के पत्ते हैं जो, तो इसमें 2 लौंग के साथ में जोड़े के साथ में रखे जाते हैं देवी माता के आगे,
फिर चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग की चीज़ें सब रखी जाती हैं, और फिर इसमें पिन्नी की कथा सुनी जाती है सनकटा माता की, फिर उसके बाद आरती की जाती है, और फिर उसके बाद जो सुहाग के आइटम होते हैं सब वो सब सभी लेडीज़ों में बांटे जाते हैं, और जो पिन्नी मैंने अभी आपको दिखाई थी वो सब सुहागने खाती हैं, पान खाती हैं। इस तरह से बहुत सी पूजा पाठ है डीपली हम लोग मारवाड़ी फैमिलीज़ में तो होती ही है, और आप लोगों के यहाँ भी होती है क्या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये इसमें काफ़ी अच्छा लगा, और ये है मेरी बुआ की लड़की, मेरी दीदी, तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा रही हूँ, अभी मैंने आपको मिलवाया था उनसे। तो हम लोगों ने काफ़ी बातें करते हैं, हम लोग तो बातें करना शुरू होता है तो ख़त्म ही नहीं होती हम लोगों की बातें, तो इस तरह की हम लोगों की जोड़ी है। तो ये देखिए, आप अच्छे से मिल लीजिए मेरी दीदी से। बोलो गणपति गजानन तुम्हारी जय जय, बोलो गणपति गजानन तुम्हारी जय जय, बोलो लक्ष्मी की जय सरस्वती की जय, बोलो लक्ष्मी की जय बोलो सरस्वती की जय, बोलो गौरा महारानी तुम्हारी जय कर देखा बड़े जोर का मेला, मंदिर अंदर जाकर देखा चढ़े नारियल गोला हो का रूप है, सरोना मैया होए चुनरी का रूप है, सरोना मैया होए चुनरी, कैसे रोगे सवार मैया होए चुनरी, पूर्णागिरि में जाकर देखा बड़े जोर का मेला, पूर्णागिरि जाकर देखा चढ़े जोर का मेला, मंदिर अंदर जाकर देखा चढ़े नारियल गोला होकर रूप है, सलोना मैया घोड़े चुनरी, आने वाली और यहीं पर मेरी छोटी चाची भी रहती हैं, तो मैं यहाँ पर उनके यहाँ ऊपर आई हुई थी, तो ये उनका छोटा सा मंदिर है जो उन्होंने किचन में बना रखा है, तो उन्हीं के मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने छोटे बाल गोपाल भी बैठा रखे हैं और बड़े राधा कृष्ण भी हैं, तो यही उनके मैं ऊनी वस्त्र जो उन्होंने पहना रखे थे वो सब दिखा रही हूँ आपको और देख भी रही थी। तो अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।